दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, और ऐसे में आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर सको, यानी कि दोस्तों वहां पे आप ऑनलाइन कंपाइलर्स पे कोड रन कर सको, जहां से कि आपको इनपुट आउटपुट दिखाने के लिए भी दोस्तों वहां पे फीचर्स मिले, तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा कंपाइलर बताने वाला हूं ऑनलाइन, जो कि दोस्तों आपको मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज सपोर्ट करता है, और साथ में दोस्तों वहां पे आपको इनपुट लेने का भी ऑप्शन मिलता है, वहां पे आप आउटपुट भी प्रिंट कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों वहां पे आपको ऑल फीचर्स मिलते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री में। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को कर देना लाइक, साथ में चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपाइलर मैं आपको बताने वाला हूँ, उस कंपाइलर का नाम है दोस्तों यहाँ पे JDoodle। JDoodle दोस्तों एक ऐसा कंपाइलर जो कि यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द ऑल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, हमने JDoodle की साइट ओपन करी है, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर सिंपली आप गूगल पे जाके टाइप करिए JDoodle और फर्स्ट लिंक जो आएगी आप उसे ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंप्लीटली फ्री साइट है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको सिंगल रुपी भी पे नहीं करना है इस साइट पे प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन कंपाइलर के साथ साथ एडिटर मिल जाता है, जहाँ पे दोस्तों ये 72 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, 2 डेटाबेस सपोर्ट करता है, और साथ में दोस्तों यहाँ पे सेव, शेयर, पीयर प्रोग्रामिंग, एम्बेड योर ब्लॉग वेबसाइट सब यहाँ पे सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे सेव कर सकते हो आपके प्रोग्राम को, लेटर जब आप कभी इस साइट पे विजिट करोगे तो आप आपके रिसेंट प्रोग्राम्स देख सकते हो। बाद में दोस्तों यहाँ पे पीयर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, यानी कि दोस्तों अगर आप किसी आपके दोस्त के साथ रिमोटली काम करना चाहते हो सिंगल प्रोग्राम पे, सिंगल प्रोजेक्ट पे, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। वीडियो कॉलिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, और ये सारी दोस्तों चीजें जो है वो यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और बेसिकली जो हम सीखते हैं बेसिक लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी, सी प्लस प्लस, बाद में दोस्तों यहाँ पे PHP, पर्ल, रूबी, पाइथन, पास्कल, कोबोल, HTML एंड जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, साथ में दोस्तों यहाँ पे MySQL एंड MongoDB, ये सारे डेटाबेसेस और बेसिक ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दोस्तों यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है इस साइट के थ्रू। और साथ में दोस्तों इस साइट का दोस्तों इनका खुद का एक एप्लीकेशन है, जो कि आपको प्ले स्टोर एंड iOS प्लेटफॉर्म दोनों पे भी अवेलेबल है। यानी कि दोस्तों आप अगर JDoodle के एप्लीकेशन को आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हो तो वहां से भी दोस्तों आप रिमोटली ये सारा काम हैंडल कर सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसे यूज करना है। लाइक दोस्तों यहाँ पे हम सिंपल एक कोई भी लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग चूज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सी प्रोग्रामिंग चूज कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ऐसा कुछ इसका इंटरफेस है। यहाँ पे दोस्तों इंटरेक्टिव मोड भी है, यानी कि आप यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स या फिर दोस्तों डायरेक्ट इनपुट पास कर सकते हो, और वहां पे आपको रिस्पेक्टिव आउटपुट मिल जाएगा। बाद में दोस्तों यहाँ पे आप GCC का जो वर्जन है वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। लाइक दोस्तों यहाँ पे अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो जावा के JDK के जो वर्जन होते हैं, JDK JRE के, उनके वर्जन आपको दोस्तों यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, आप वर्जन वाइज प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बाद में दोस्तों अगर आप MySQL यूज कर रहे हो तो MySQL के भी आपको वहां पे वर्जन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली करना है प्रोग्राम टाइप, यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करने के बाद यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपने आपके PC में कोई सी प्रोग्राम सेव करके रखा है .c के एक्सटेंशन के साथ, तो यहाँ से आप उसे अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझा देता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे साइन इन कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे साइन इन करते हो तो फॉर फ्यूचर रेफरेंस आप यहाँ पे यहाँ से जो प्रोग्राम्स आपने सेव करके रखे हैं वो देख सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली साइन इन करने के लिए यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है, और साइन इन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप कस्टम रजिस्टर भी कर सकते हो, बाद में दोस्तों यहाँ पे साइन इन विद गूगल कर सकते हो, साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम साइन इन विद गूगल करके साइन इन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने साइन इन कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो हाई डिकोडर सॉल्यूशंस, यानी कि यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, साइन इन कर चुके हैं हम। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ये 3 लाइंस वाला मेन्यू है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक दोस्तों यहाँ पे कोर्सेस एंड असाइनमेंट भी अवेलेबल है, इनका खुद का API है जो कि आप आपकी साइट में, आपके ब्लॉग में, आपके एप्लीकेशन में एम्बेड कर सकते हो। बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर आप आपकी ID चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। लाइक दोस्तों यहाँ पे शेयर का एक ऑप्शन है, यहाँ से दोस्तों आप इस साइट में इस प्रोग्राम को दोस्तों शेयर कर सकते हो अलग अलग ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलते हैं, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। लाइक दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, एक हमने प्रोग्राम कॉपी करके रखा है, एक सिंपल प्रोग्राम है जो कि इनपुट लेगा और आउटपुट शो करेगा, तो हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे करते हैं पेस्ट। हमने दोस्तों यहाँ पे इस प्रोग्राम को कर दिया पेस्ट। यहाँ पे दोस्तों ऑल लाइब्रेरीज ये सपोर्ट करता है, यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई लाइब्रेरी यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे आप सारी लाइब्रेरीज का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इसे करेंगे इंटरेक्टिव मोड में स्विच, क्योंकि हमें यहाँ पे देना है इनपुट। तो हमने किया इंटरेक्टिव मोड में स्विच, अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाएगा शुरू, और जल्दी ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंपाइल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोग्राम का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमने प्रोग्राम को कंपाइल भी कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसे इनपुट दिया था 5, एंटर द इंटीजर 5, और यहाँ पे दोस्तों इसने दिखाया एंटर इंटीजर इज 5। तो यहाँ पे दोस्तों आप अगर इंटरेक्टिव मोड में इस कंपाइलर को स्विच करते हो तो यहाँ पे आप आपके प्रोग्राम को इनपुट भी दे सकते हो और रिस्पेक्टिव आउटपुट ये कंपाइलर प्रिंट कर देगा। बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलोड का, यहाँ से आप आपका प्रोग्राम अपलोड कर सकते हो एज मैंने आपको बताया है। बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है 3 डॉट का, यहाँ पे इस पर जब आप क्लिक करते हो यहाँ पे दोस्तों एक मेन्यू ओपन होता है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो न्यू प्रोजेक्ट या फिर क्लियर और कर सकते हो। बाद में यहाँ पे आपने जो माई प्रोजेक्ट, यानी कि अगर आपने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट सेव करके रखा है तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट सेव कर सकते हो। बाद में दोस्तों एग्जीक्यूट हिस्ट्री, यानी कि दोस्तों लास्ट आपने किसी प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट किया है तो आप उसकी एग्जीक्यूशन हिस्ट्री चेक कर सकते हो। बाद में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कोलैबोरेट एंड पेयर प्रोग्रामिंग, यानी कि दोस्तों अगर आप आपकी किसी प्रोजेक्ट पार्टनर के साथ प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एंड स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू यहाँ पे काम कर सकते हो। बाद में दोस्तों आप आपके करंट प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो। बाद में दोस्तों एडिटेबल शेयर, यानी कि दोस्तों आप आपके ब्लॉग में या फिर आपके साइट में इसे एम्बेड कर सकते हो। बाद में दोस्तों इंस्टेंट शेयर, यानी कि दोस्तों आप इसे शेयर कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो आपके ब्लॉग में इंस्टेंट, नो लॉगिन एंड सेव रिक्वायर्ड। बाद में दोस्तों आप आपके प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे एक थीम का ऑप्शन है, यहाँ से आप डार्क थीम या फिर आपकी नॉर्मल व्हाइट थीम चेंज कर सकते हो। बाद में यहाँ पे फॉन्ट साइज, अगर आपको दोस्तों यहाँ पे फॉन्ट साइज लार्ज चाहिए या फिर स्मॉल चाहिए तो आप यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। बाद में ओपन फ्रॉम लोकल फाइल, लाइक दोस्तों यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हो सेम यहाँ पे कर सकते हो। बाद में सेव टू लोकल फाइल, यानी कि दोस्तों आपका ये प्रोग्राम प्रॉपर एक्सटेंशन के साथ आपके पीसी में सेव हो जाएगा। बाद में प्रेटी प्रिंट, यानी कि आप आपके प्रोग्राम को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, लाइक दोस्तों यहाँ पे अगर मैं प्रेटी प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे फॉर्मेट में आपको यहाँ पे प्रिंट आउट करके मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे फॉर्मेट में दोस्तों आपको इसे प्रिंट आउट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप प्रिंट करके आपके डेस्कटॉप में सेव कर सकते हो या फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि दोस्तों आप इसे फुल स्क्रीन में भी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसा कुछ है ये कंपाइलर जो कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है और जो कि दोस्तों एकदम फ्री में प्रोवाइड करता है, यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी रूपी पे नहीं करनी है। तो दोस्तों आप इस साइट को विजिट कर सकते हो, यहाँ पे आप आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो, प्रोग्रामिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस साइट को ओपन कीजिए और आपका प्रोग्रामिंग नॉलेज एनहांस कीजिए। तो दोस्तों बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी वीडियो के लिए सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट में जरूर दे सकते हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।